नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइन रु देश को मिलला प्रथम डीएनए आधारित टीका जायडोस कैडिलार 3 डोज विशिष्ट वैक्सीन को अनुमति इमरजेंसी व्यवहार पाई डीसीजीआई रो एक्सपोर्ट कमिटी दला मंजूरी 12 रु 18 वयस्क पाई गुरुत्वपूर्ण खबर इशारा इशारा रे तालिबान को प्रधानमंत्री को टारगेट कहले ध्वंस आतंक सामयिक शक्तिशाली रही आतंकी अस्तित्व चिरस्थायी हेब मानववाद सेपटे गुजरात रे मने पकाइले सोमनाथ मंदिर पुनः निर्माण सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद अवदान आज यूपी में मिशन शक्ति 3.0 प्रत्येक जिलार प्राय 75 महिला को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ महिला पेंशन योजन 29,68,000 महिला खाता को 451 कोटी टंका बेज पर स्कूटी रखी काठ जोड़ी को डेले युवती खानगर पंचमुखी हनुमान मंदिर निकटर स्थानीय अंचलवासी कले उद्धार युवती घर नयागढ़ होता सूचना नदी को डेबार कारण अस्पष्ट जगत सिंहपुर जिला मुख्य चिकित्सालय शिशु चोरी अभियोग सीसीटीवी में कैद है पिला चोरी बेलर दृश्य थाना एतला दे शिशुर जेजेमा मेडिकल परिसर में ढिला सुरक्षा को नहीं उठला जन्ममाटी को फेरबे देश पाई गौरव आनिथिबा चारि ओडिया हॉकी खेलाड़ी स्वागत पाई सुंदरगढ़ रे व्यापक प्रस्तुति शोभायात्रा परे दियाजिबो संबोधन एवं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा गस्तर तृतीय दिन फोकस राज्य रे शिक्षार उन्नति आज उच्च शिक्षा एवं स्कूल और गणशिक्षा विभाग समीक्षा करिबे केंद्र संपूर्ण खबर को कोरोना लड़े रे देश को बड़ देव नुआ स्वदेशी टीका जायडोस कैडिलार कोरोना टीका जाइकोव डी को मंजूरी देखते केंद्र सरकार और सबुठ बड़ कथा 12-18 वर्ष पाई टीका प्रभावशाली बोली कंपनी पक्ष सरकार को मिशन कोविड सुरक्षा कार्यक्रम में यह टीका को विकसित कर देश को मिलला नुआ अस्त्र टीकाकरण अभियान में सामिल हैला आउ एक स्वदेशी टीका फार्मा कंपनी जाइडस कार्डिलार 3 डोज विशिष्ट कोरोना टीका को मंजूरी देखते केंद्र सरकार तबे एही टीकार नाम रही जाइकोव डी सबुठ बड़ कथा हैला 12-18 वर्ष पिलांकु एही टीका दिया जाई परिबो एहा सेमानक पई बेस प्रभावशाली और सुरक्षित बोली कंपनी पक्षरु कुहा जाईछि हेतु थर्ड वेव रे कहा जाऊला जे छोट छुआ मानक विशेषकर जो मैंने 12-18 कि 5 वर्ष रु ऊर्ध छुआ मैंने तांकु संक्रमित करिबा कारण से माने आगरु वैक्सीनेशन मध्ये नै नथले एवं जेहेतु से माने घर रे थिले से माने नेचुरली मध्ये इन्फेक्टेड हे नथले सेही दृष्टि रु ए गुडे बहुत महत्वपूर्ण टीका हेबो कारण यही टीका नेबा द्वारा तांकर संक्रमण हार हुए तो न कमी पारे किंतु तांकर जो सीवियरिटी डेफिनेटली भी कमीबो भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलित भाव टीका को विकसित करती टीका को 2-8 डिग्री तापमात्रा रे साधारण फ्रिजर में रखा जाई परिबो यार जरूरी कालीन व्यवहार पर मंजूरी प्रदान करिछंती ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया रो विशेषज्ञ कमिटी यहसह टीकार 2 डोज वेरिएंट प्रभाव संपर्क डाटा मागिछि कमिटी जदि जरूरी कालीन व्यवहार पर डीजीसीआई पक्षर टीका को संपूर्ण अनुमति दिया जाए तेबे एहा देशर द्वितीय स्वदेशी टीका हेबो वैक्सीन टा गोटे अहमदाबाद बेस गोटे फार्मा कंपनी से माने गोटे इमरजेंसी बेसिस रे गत जुलाई 1 तारीख से अप्रूवल पाई ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को से लिखितला आ एबे इमरजेंसी बेसिस रे आज डीजीसीआई ताकु अप्रूवल करछि किंतु तार विशेष तथ्य ताकु आउरी देबाकु पडियो फेज 3 ट्रायल संपूर्ण हला परे तार सेफ्टी प्रोफाइल ताकु सबमिट करियाकु पडियो पूर्वरु भारत बायोटेक आईसीएमआर सह मिलित भाबे प्रथम स्वदेशी टीका कोवैक्सिन प्रस्तुत करथिला
एवं देश में मोट चारोटी टीका कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुटनिक भी और मॉडर्ना को मंजूरी मिली। जाइडस कार्डिला को मिसाइले डीजीसीआई अनुमति देइथिबा टीका संख्या 5 होईछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। इशारा इशारा रे तालिबान को आक्रमण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिले ध्वंस आतंक सामयिक शक्तिशाली किंतु यार अस्तित्व चिरस्थायी नुहे चिरस्थायी हेबो मानववाद। गुजरात रो सोमनाथ रे विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन अवसर में सीधासख आतंकवाद को टार्गेट कर प्रधानमंत्री या सहित सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद को अवदान को मन पक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। इशारा इशारा रे तालिबान को प्रति आक्रमण ध्वंस और आतंक सामयिक शक्तिशाली हेले भी रही तार अस्तित्व मानववाद हेब चिरस्थायी। गुजरात रो सोमनाथ रे विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन अवसर रे प्रधानमंत्री का वार्ता मने पकाइले सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण रे सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद का अवदान आध्यात्मिक पर्यटन स्थल विकास को देले गुरुत्व। इशारा इशारा रे वर्तमान अफगानिस्तान रे चलितिबा तालिबान आतंकवाद उपरे प्रति आक्रमण करिछंती प्रधानमंत्री कहिछंती ध्वंसकारक शक्ति सामयिक भाव शक्तिशाली होई पारंती मात्र ताहा चिरस्थायी नुहे। शुक्रवार दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे गुजरात रा सोमनाथ मंदिर परिपार्श्वरे थिबा विभिन्न प्रकल्प रा उद्घाटन और शिलान्यास उत्सव अवसर रे एही गुरुत्वपूर्ण वार्ता देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो तोड़ने वाली शक्तियां है, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। एही अवसर रे सोमनाथ मंदिर आक्रमण रे इतिहास को मने पकाइछंती प्रधानमंत्री। गुजरात रो पश्चिम उपकूल रे निर्मित एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरु प्रथम ज्योतिर्लिंग भावरे पूजित मंदिर अतीत रे अनेक थर आक्रमण रे सम्मुखीन होईछि। एबे तालिबान आतंकवादी चराभुई पलटि अफगानिस्तान गजनी शासक महमूद गजनी मोट 17 थर सोमनाथ मंदिर आक्रमण एवं मूर्ति भांगिबा सहित अनेक मूल्यवान धन संपत्ति लुंठन करिछंती। एहा परे मध्य अन्य किछि मतांध शासक और लुंठनकारी लोलुप दृष्टि पड़ी मंदिर उपरे एहा सत्व भी एबे एहा तिष्ठि रहिछि। विश्वास को आतंकवाद द्वारा केबे भी दमन करिहेब नाही। जेउ माने ध्वंस करंती एवं जेउ माने से प्रकार आदर्श रे विश्वास रखंती से माने सामयिक भावरे प्राधान्य विस्तार करि परंती मात्र मानववाद चिरस्थायी जहां को दमन करा जाई पारिबनी। स्वाधीनता परे सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं के एम मुंशी का परि महामानव का अवदान जोगु मंदिर रो पुनः प्रतिष्ठा संभव होई पारिछि जहां द्वारा पुणी भारतीय का आस्था और विश्वास रो विजय होईछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। एही अवसर रे प्रधानमंत्री देशर आध्यात्मिक पर्यटन रो विकास उपरे गुरुत्व देइछंती। एहा द्वारा देशर युवपीढ़ी निजर अतीत संपर्क रे जानिबा सहित रोजगार रो सुजोग मध्य पाई परिबे बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज तो उत्तर प्रदेश रे आरंभ हेउछि मिशन शक्ति 3.0। ए अवसर रे मेला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ उपहार उत्कृष्ट कार्य पाई प्रत्येक जिलार प्राय 75 महिला को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार को पक्ष महिला स्वास्थ्यकर्मी एसएचजी ग्रुप डाक्टर उद्योगी और विभिन्न समाजसेवी संगठन सह जड़ित महिला को सम्मानित करा। महिला पेंशन योजन 29,68,000 महिला बैंक खाता को 451 कोटी टंका ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह योजन जोड़ी हे 1,73,000 नुआ हिताधिकारी। सेपरि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजन 1,55,000 झीव खाता को 30,12,00,000 टंका हस्तांतर करा।
मिशन शक्ति जरिया ग्रामीण महिलाओं सुरक्षा को प्राथमिकता देखते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रति जिले में मिशन शक्ति संपर्कित भव्य आयोजन करने को विभाग अफिसर को निर्देश दिखाई कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक महिला को सुरक्षा कवच स्वरूप गोटे राखी और मास्क प्रदान करा जिबो आज जन्ममटी सुंदरगढ़ को फेरबे टोकियो ओलंपिक रे देश पाई गौरव आनीतबा चारि ओडिया हॉकी खिलाड़ी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी दल चारि खिलाड़ी अमित रोहिदास वीरेन्द्र लाक्रा दिवक्रेश सेका और स्मिता टप्पू स्वागत पाई होई व्यापक प्रस्तुति खिलाड़ी को शोभायात्रा रे स्वागत सह संबर्धित करबा नै प्रशासन पक्षरु व्यवस्था करा जायछि श्रावण रे वर्षा उफान आउ सुखिला पड़ी चाष जमी चाष कम आगे पार नाषी मुंडे पड़ी चड़क फिर चाष कम छड़ी राजरास्ता को लाइबाको बाध्य चाषी देखा रिपोर्ट चाषी मुंडे चड़क केते सारा अभाव तो आउ केते मरुड़ी चाष कम छाड़ी राजरास्त चाषी नवरंगपुर जिले में सार अभाव प्रतिवाद रास्तारोक हो उमरकोट और रायघर पर वर्तमान आंदोलन डेईं डाबुगा ब्लक को चाषी वर्तमान चाष कम छाड़ी राजरास्ता को ओह्लाई प्रतिवाद करुछि नवरंगपुर जिले में दिनक दिन जटिल परिस्थिति सृष्टि करुछि सार अभाव समस्या प्रतिवाद रे डाबुगा ठारे 39 नंबर राज्य राजपथ को अवरोध करिछंति चाषी जिले अभावनीय परिस्थिति प्राय समस्त ब्लक देखा देछि विगत दिन रायगर उमरकोट झरीगा कपड़ाहांडी वर्तमान डाबुगा रे चाषी माने गोटे क्विंटल रसायन सार पाइबार वंचित होती जोद्वारा कि दीर्घ देढ़ मास है से माने दाबी जनइले अनुरोध कले किंतु सरकार कर्णपात कले ना बाध्य आज राजरास्ता ओल्ल सारार अभाव बिक्री एवं चढ़ा दर बिक्री ये गोटे बहुत बड़ समस्या है गोटे गोटे चाषी गोटे गोटे बस्ता को 700 टंकार कितने सरकार 268 टाँग रेट धार्य कर जमापड़ी राज्य सरकार और जिला प्रशासन सार बंटन संपूर्ण रूप नियंत्रण हर एपटे श्रावण में सुखा पड़ी चाष जमी आकाशु उभान वर्षा आगे पारे चाष कम ए दृश्य हूँ रायगड़ार गुणुपुर पद्मपुर गुड़ारी और रमानगुड़ा ब्लक्र शह शह हेक्टर चाष जमी एवं गोरुगाई चराभू नुआपड़ा जिले में चलित बर्ष स्वाभाविक ठार् कम वर्षा फल जमी फाटी आँ कर कोमना ब्लक्र मिछापाली ढोरला मुंडा भाई प्राय 10 गोटी पंचायत में वर्षा उभान जिलार 80% ऊर्धभाग चाष उपर निर्भर करती एवं जिले में स्वल्प बृष्टिपात जो गजा मरुड़ी आशंका देखा एटा वर्षार दिन काली खरा जे खरा हो बिल फाटी जा सब वर्षा होनी कि नहीं तेणुक चाषवास किसी पार्नी आन भी रुआ हो पारे अन्य तीनो ब्लक रुआ रु चली कम आगे चलती प्राय 50% रुआ रुई अन्य तीनो ब्लक कि गुणपुर में आप 5-10% अचिवमेंट हो आज्ञा मुई डीगढ़ करज्ञा बर्षा नहीं किसी नहीं फाटी गलाना पर देखिए कना बाबा चली जाए आज गला जेनता हो जाए तो आज्ञा महा मुस्किले आम एने तेने पलावा कि आमके उपाय होगलाना आज्ञा आर जमीन देखो चलिके पूरा तो मकार तो आज्ञा आर जुलाई मसर रेनफल 95% आम वर्षा पाइजु किंतु से वर्षाटा इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन होना जहाद्वारा कि कोमना ब्लकर 2-3 पंचायत टिके प्रोब्लेम आसी पंचायतर मध्यम किसम जमी गुड़ाक किसी बेउसणी कम हेल्डअप अच्छी जोटा कि आम आशा कर सप्ताह आम वर्षा पाईले से कम ठीक भाव आगे एवं जो से पंचायत चार्ज आम ग्राम कृषि कर्मचारी को आम निर्देश देखिए बुलिकी आमको डिटेल रिपोर्ट देले यार मॉइश्चर स्ट्रेस रिपोर्ट आम उपरको जनइब सेपटे मंत्री कहते जिलापा मरुड़ स्थित उपर नजर रखा निर्देश दि जाए आमे वाच करूछु आ एबे भी समय अछि वर्षा हबार आमे वाच करूछु जदि सेबे परिस्थिति आसी आमे तो देखि नै नै सेटा तो मांगा जाय सब थोर मांगा जाय देखि सरकार अलर्ट अछि केबे अभावी बिक्री तो केबे सारर उत्कट समस्या केबे रोगपक तो केबे मरुड़ी समस्या चाषी को पिछा छाड़ूनी दुख केबे वर्षा हेबो एवं चाषी को मुहरे हस फुटिबो ताकु ही अपेक्षा नुआपड़ युधिष्ठर पटेल गुणुपुरु अजित महांती और नवरंगपुर सुमित घंटक भुवनेश्वर रोशन दर्थ रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
पाणिपाग संपर्कित खबर को गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में हालुका मध्यम धरणर वर्षा होई के जोड़े सर्वाधिक 40.2 मिलीमिटर वर्षा होता बेले संबलपुर नाकटी दौल में सर्वनिम्न 28 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होई। आगामी 24 घंटा राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। तबे दक्षिण और उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिलार अनेक स्थान में मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। देखा दिल्ली में शुक्रवार राति बर्षार तांडव फल दिल्लीर आईटीओ अंचल जलानव हो प्रगति मैदान लजपत नगर और जंगपुर अंचल स्थिति संगीन रही। यातायात सह प्रभावित हो साधारण जीवन यात्रा प्राय 1.5 फुट उच्चर पा चल आजाद मार्केट अंडरपास को बंद कर दि जाए। एने दिल्ली ट्राफिक पुलिस पक्षर सूचना दी जाए विभिन्न अंचल सड़क उपर पा चलुच्छे से पाणीपाग विभाग पक्षर दिल्ली पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिल्ली में प्राय 10 दिन पर बर्षा दिल्लीवासी को गरम मुक्ति देसह चिंता भी आनी परवर्ती खबर को केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशा गस्तर आज हूँ तृतीय दिन फोकस रे शिक्षार उन्नति आज सका 9:30 उच्चशिक्षा विभाग समीक्षा करेंगे धर्मेन्द्र प्रधान पर दिन 11:30 स्कूल और गणशिक्षा विभाग समीक्षा करेंगे दिन 3:00 उच्चशिक्षा सह जड़ित विभिन्न शिक्षानुष्ठान मुख्य भिसी जोगे आलोचना करार कार्यक्रम रही। नयगढ़ ओडगा समवा ब्यांक रे फसी रही 3000 जमाकारी जमा पुंजी आउ 3 वर्ष हे निजर टंका उठाई पार ना जमाकारी दुर्नीति कथा समवा विभाग स्वीकार करते जाए होनी कार्यानुष्ठान अनेपटे जमाकारी माने केबे निज टंका फेरी पाइबे ता भी बड़ प्रश्न। कृषि मंत्री जिले में कांदुछि कृषक समवा ब्यांक रे फसी रही 6 कोटी रु अधिक टंका 3 वर्ष हेब टंका उठाई पार ना जमाकारी कृषि मंत्री अरुण साहू को निर्वाचन मंडली ओडगा समवाय बैंक रे फसी रही 3000 जमाकारी झाड़ बुहा धन 6 कोटी अधिक टंका हड़प होता नहीं स्पेशल ऑडिट रे जना पड़ा हेले 3 वर्ष पर निज टंका उठाई पार ना चाषी मु 14 लाख टंका बांधी मेचुरी किंतु आज बंदे टंका किसी दौना बारंबार अभियोग सत्वे एवं 65 इनक्वारी एवं स्पेशल इनक्वारी पर 6 कोटी टंकार दुर्नीति हेबार प्रमाण मिल सारे एटी कौन कार्य मानने कार्यानुष्ठान पारना बड़ दुर्भाग्यर विषय ओडिशा सरकार अपारगता आज्ञा मो झी छाड़ापी रखी थी 5 लक्ष 8 लक्ष खंडे हो दौना पैसा तो ना सोसाइटी कहते सोसाइटी पैसा ना खाइबा कथा खाई कि पल सरकारी संस्था भाभी समवाय बैंक रे निजर वर्ष बर्षर कष्ट उपार्जित टंका रखी जमाकारी हेले सेमानंको सह एभली धोखा हेबो बोली कल्पना करिनथिले स्पेशल ऑडिट रे दुर्नीति कथा को स्वीकार करिछि समवाय विभाग हेले तदंत आळरे बैंक कर्मचारी और तत्कालीन समवाय समिति संपादक को घंट घोड़ा जाउथवा अभियोग करिछंती जमाकारी अन्यपटे पदक्षेप निया कहिछंती नयगढ़ एआरसीएस भास्कर पाणिग्राही यदि पैसा गला यदि पैसा नौ यदि कृषि मंत्री जिला है कि यदि इमित हो बहुत जिले इमित हो भी फाइल करूशन प्रोसेंग घर करोड़ दिखाई आदायट केस पूरी में फाइल करपी केस बर्तमान गोटे करूशन प्रोसेंग दिखाई फाइल कर आर सप्ताह विचार विमर्श हम तेबे जमाकारी माने केपे निजर टंका फेरी पाउछंती देखिबा को बाकी रहिला। नयगढ़ रु कैमरा पर्सन विश्वनाथ बेहरा सह शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजधानी भुवनेश्वर रे कोरोनार द्वितीय लहरी नियंत्रण को आसिनथिबा बेले डराउछि डेंगू प्रतिदिन नुआ नुआ मामला सामना को आसुछि। गत 24 घंटे राजधानी रे आउ 68 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती मोट रोगी संख्या 1610 को वृद्धि पाई आ वर्तमान सुधा
1113 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 507 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 22,740 ଘରର ମୋଟ 98,224 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଆଉ 57,974 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନକୁ ହଟାଇବା ସହ 69,780 ସ୍ଥାନରୁ ମଶା ଲାର୍ଭା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କମ୍ବାକୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ 2016-17ରେ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ରୋଷେଇ ଘର ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2015-16ରେ ଆସିଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ମହୁଲଶୁଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଟି 2015-16 ମସିହାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହା RTI ତଥ୍ୟ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ 16-17 ମସିହାରେ ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ୍ୟୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମହୁଲଶୁଣୀକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 2016-17 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 35-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। RTI ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ CBI, ଏଠି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରାଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଏ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଧରାପଡ଼ିବେ? ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ। 15-16 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। 15-16 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଠି ହୋଇନାହିଁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ତ 16-17 ପୁଣି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେହି 20 ଲକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଠି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଇଛି କ'ଣ ସେଠି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଫିନେଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବୁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଡ଼ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।